तो अब कुछ मिल रहा नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा में उनको वास्तव में दिनेश सिंह को ज़रूरत है भारत जोड़ो यात्रा की, वो जाएं तो उनका दिमाग थोड़ा सही होगा, तो दिमाग सही हो तो उनको अपने पूर्वज उनके पुरखे याद आ जाएंगे, क्यों रहे किसी के साथ, खाए किसी का, पले कहीं पर, और जब उनका थोड़ा सा वो ढोलक तन गई तो फिर वो अपनी 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 असलियत पे आ गए, अपनी औकात में हो गए, अपनी औकात पे आ गए। भाजपा के स्वतंत्र प्रभार मंत्री दिनेश सिंह ने सोनिया गांधी पर टिप्पणी की है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए अवध प्रांत के अध्यक्ष नकुल दुबे हैं, जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। सर, भाजपा सरकार के एक मंत्री दिनेश सिंह ने जो है स्वतंत्र प्रभार, उन्होंने सोनिया गांधी पे जो है टिप्पणी की है, कांग्रेस पे भी टिप्पणी की है। उनका कहना है कि अब हिंदुस्तान में जो है सिर्फ एक ही अंग्रेज बचा है, वो है सोनिया गांधी। आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 में जो है उनकी भी विदाई हो जाएगी, इसको कैसे देख रहे हैं आप, क्या कहेंगे इस पे? अब सच पूछिए तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही बचकाना, बहुत ही ओछा, बहुत ही घटिया अगर अभी जिनका नाम आप ले रहे हैं वो अपना रिकॉर्ड उठा करके चेक करें तो उनके अगर 50 पन्ने तैयार होंगे तो उसमें से भारी मात्रा में पन्ने जो हैं वो इसी परिवार की देन होंगे। आदरणीय सोनिया गांधी जी इस देश की बहू हैं, इस देश में रह रहे दो बच्चों की माँ हैं, दो छोटे बच्चों की नानी जी हैं, और संपूर्ण देश ने उनको स्वीकार कर रखा है, और ख़ासतौर से रायबरेली, तो उनको रायबरेली के लोग तो उनको बहुत ही स्नेह करते हैं। तो इस तरह की जो एक तरफ तो तुम खुदे घूम रहे हो, कभी इस देश में, कभी उस देश में, कभी उस देश में, कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से अडानी जी नंबर एक पहुंच जाए, ला कर उनका खजाना बढ़ जाए, और दूसरे तो ऐसी बातें करके जो है अपनी चुनावी रोटी सेकने का क्या घटिया प्रयास कर रहे हो, असफल प्रयास कर रहे हो। एक कहावत और भी कही गई, खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे। तो अब कुछ मिल रहा नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा में उनको वास्तव में दिनेश सिंह को ज़रूरत है भारत जोड़ो यात्रा की, वो जाएं तो उनका दिमाग थोड़ा सही होगा, तो दिमाग सही हो तो उनको अपने पूर्वज उनके पुरखे याद आ जाएंगे, पुरखे याद आएंगे। और सबको मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी में फैशन चला है कि जिसके जिसका जिसका खाओ उसी को कहते हैं, जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो। तो वहाँ भी आपको बहुत नेता इसे मिल जाएंगे, क्यों रहे किसी के साथ, खाए किसी का, पले कहीं पर, और जब उनका थोड़ा सा वो ढोलक तन गई तो फिर वो अपनी 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 असलियत पे आ गए, अपनी औकात में हो गए, अपनी औकात पे आ गए। तो ये सिर्फ वही है, उसका परिणाम है, लेकिन इसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी का जो मिशन है वो मिशन पूरा होकर रहेगा और बहुत शानदार ढंग से मिशन चल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा की बात कह रहे हैं आप, दिनेश सिंह का ये कहना है कि भारत टूटा ही कब था, भारत राहुल गांधी के विचारों में टूटा था, उनके पुरखों ने उसे तोड़ा था, अगर यात्रा करनी ही है तो इस्लामाबाद से करें, वहाँ पहले जोड़े, हाँ उनको ले जाएंगे, उनको ले चलेंगे, जब उस दिन आएगा तो उनको भी ले चलेंगे उसमें जो है। और भारत टूटने या जुड़ने की बात नहीं, ये जो टाइटल है इस टाइटल समझा जाए, भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि जो गुजरात में उन्होंने गंदगी फैलाने का प्रयास किया वो पूरे देश में लेकर के आएंगे। हमारा क्या कहना है, हमारा कि ये जो वसुधैव कुटुंबकम था ये विश्व में कहीं इंग्लैंड से नहीं आया या अमेरिका से नहीं आया, ये हिंदुस्तान से ही चला, और हिंदुस्तान ने पूरे विश्व में अपनी जो सबसे पहली ख्याति बनाई वो इसीलिए बनाई कि क्या हो कि अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी थी, इसको ब्रेक किसने किया, इसको डैमेज किसने किया? तो जिन लोगों ने इसको डैमेज किया आज वो बहुत घबरा रहे हैं कि यार वास्तव में हम लोगों से बड़ी भारी गलती हो गई, और उस गलती का पश्चाताप तो करना ही पड़ेगा। और राहुल गांधी जी का मात्र इसीलिए उन्होंने विपक्षियों को इनवाइट किया, को छोड़ने की आवश्यकता है। जो अंतर हो गया अमीर बनाम गरीब का, जो लगता है जैसे कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही सफल व्यापारी है या दो ही सफल उद्योगपति हैं, बाकी सब बर्बाद हैं, सारे सब बेकार हैं। आज हम लोग जगह जगह घूम रहे हैं, पूरे विश्व में हमारी ख्याति को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। नोटबंदी में हम लोग बेइज्जत हुए, कोरोना में हम लोग बेइज्जत हुए, ऑक्सीजन के चक्कर में हम लोग बेइज्जत हुए, पैदल चल चल के हम लोग बेइज्जत हुए, नोटबंदी में हम लोग बेइज्जत हुए। तो इन सब चीज़ों का जो निचोड़ है, राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं कि अगर आप 100 रुपये 103 रुपये पेट्रोल डीजल बेचने काम कर रहे हो, आज आप आटा दाल गेहूँ उस पर GST देने काम कर रहे हो, आप हर तरह से हिंदुस्तान की जनता को निचोड़ने काम कर रहे हो, तो इसके खिलाफ एक आवाज़ बननी चाहिए, और आवाज़ बन के रहेगी, आवाज़ बन रही है, तो हम लोग
हिंदुस्तान को जो जोड़ने की बात कहते हैं, जो भारत जोड़ने की बात कहते हैं, उसके कंसेप्ट को समझा जाए, कंफ्यूज ना हुआ जाए। अब बाकी आपको तो जो बोलना है वो आप बोलेंगे ही, आप तो जब अपनों को ही नहीं छोड़ते, आपकी तो आज़ादी 2014 में आई है, कहने वाले को आप सजा देने के बजाय उसको आप पद्म विभूषण देने का काम करते हो, तो आपकी वो निराली है, आप अपना उस पर चलते रहो। बीजेपी वाले तो जो है इन्वेस्टर सबमिट कर रहे हैं, जी जी कह रहे हैं रोजगार पैदा होगा, जी 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 कंपनियां निवेश करेंगी, आपको क्या लगता है? देखिए ऐसा है कि शायद हम लोगों के जीवन में, आपके हमारे सब लोगों के जीवन में सैनिक वर्ल्ड बड़ा ही पायस हुआ करता, बड़ा पवित्र शब्द हुआ करता था। और अगर किसी हम लोग के दूर से किसी मिलिट्री मैन को देख लेते थे ड्रेस में, वो अगर चाहे वो साइकिल जा रहा होता है, चाहे मोटरसाइकिल जा, चाहे उसकी जीप जा रही होती, तो एक गर्व से हम लोग का सेना अपने आप तक जाया करता था। लेकिन जब से आपने उनका भी आपने ठेकाकरण कर दिया कि सब 4 साल के लिए रहेंगे, उसके बाद फिर वो उनको जाना वहीं है जहाँ उनको भेजा जाने के लिए व्यवस्था बनाई जा रही, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही घटिया, कहते ना कि अपने लिए तो आप 20,000-25,000 करोड़ का तो बनाओगे सिने विस्टा, 1,000 करोड़ का आप खरीदोगे जहाज, अपने ऊपर 1,00,000 रुपए का ड्रेस खर्च करोगे, अपनी विदेशी यात्राओं में आप 1,00,000,000 रुपए खर्च कर दोगे, इस तरह के तमाशे करके आप जो है संबर्बाद करोगे। लेकिन जब जेन्युइन कोई बात आती है तब आप वहाँ अपना दांव खेल जाते हो, वहाँ पर अपना वो दिमाग लगा देते हो जो हमारे देश के लिए बहुत ही अहितकारी है। इसको सबको समझना ही पड़ेगा। नौकरी समाप्त होती जा रही है, नौकरी समाप्त मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए सेठ की नौकरी करना नौजवानों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम सेठ के यहाँ गए हैं तो किस दिन हमको लात मार के बाहर कर देगा हमें पता नहीं। आप जो ये जो तामा झामा जो तमाशा हो रहा है, जो ये है कॉल सेंटर है, वो सेंटर है, उसने क्या तनख्वाह मिलती है आपने चेक करा? 7,000-8,000 उनका पेट्रोल खर्चा नहीं निकल पाएगा महीने भर का, लेकिन वो चल रहा है, तमाशा चल रहा है। किसके लिए रोजगार बढ़ा रहे भाई? क्यों बढ़ा रोजगार? आप रोजगार बढ़ाते तो आप रेल में भर्तियाँ करते, भारतीय रेल भर्तियाँ करते, लोगों को पेंशन तक दे नहीं सकते हो आप। तो रेल तो खरीद रहे हैं जो है अडानी जी, रेल खरीद रहे हैं अडानी जी, एयरपोर्ट खरीद रहे हैं अडानी, बड़ा ही हास्यास्पद है अगर इसको बैठ के सोचे कभी कि देश की सुरक्षा के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। एयरपोर्ट वगैरह बहुत ही सेंसिटिव स्थान हुआ करते थे, जहाँ से कभी भी आपके फाइटर पेड़ उड़ाए जा सकते थे, जहाँ कहीं भी बमबारी की जाती, जहाँ को बहुत ही सिक्योर करना है, वहाँ पर प्राइवेट लोग, मतलब अडानी जी जो है इतने बड़े वो हो गए कि अब उनसे कोई खतरा नहीं। ये अब जो ड्रग्स पकड़ी जा रही हैं, जो नहीं पकड़ी जा रही है उनके पता है, उनके बारे में सोचिए। आप लेके आएंगे ले जाओ, ये लेके आएंगे पकड़ लो, वो लेके आएंगे न पकड़ो, क्या है ये सब? गवर्नमेंट का सुपरविजन होना चाहिए और उसमें भी टाइम टाइम चेंज अगर नहीं होता रहा तो आप समझ लीजिए कि हिंदुस्तान वास्तव में बहुत ही भयावह स्थिति में जा रहा है। इसको बचाना हमारा आपका साथ धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है। देश में आज़ादी बड़े ही मुश्किलों से मिली है और बड़ी मुश्किल से आज हमारा देश यहाँ तक पहुँचा। आप कह रहे हैं कि कोई अगर ड्रग्स लेके आए तो उसको पकड़ लिया जाएगा, अगर कोई और लेके आएगा तो नहीं पकड़ा जाएगा, किसके तरफ जा रहा है? देखिए ऐसा है कि जब आपने सिस्टम को प्राइवेट कर दिया है तो आप किसी को भी ये नहीं कह सकते, मैं आप लखनऊ चले जाइए, लखनऊ एयरपोर्ट से अगर आपको दिल्ली तक की भी यात्रा करनी है तो आपको लगेगा कि आप बाकी फिर गुलामों के उसमें आ गए, सिकंजे में आ गए। जब आप विदेशों पहुंच जाते हो पैसा लेने तब आपको वहाँ अंग्रेजी दिखाई नहीं पड़ते। अभी आप सबके साथ जो जब खड़े होकर के स्टाइल बोलोगे, ये सब बहुत ही घटिया मानसिकता है, घटिया मानसिकता। जो लोग विदेश में अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 1.5-2 महीना पहले कोई कहीं वहाँ फोटो खींचा खींचा के खींचने बोले भेज रहा था, तब उनको नहीं याद आ रहा था, अब उनको दिखाई पड़ गया है। क्यों? क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है, कोई पॉइंट मिल नहीं रहा है, महंगाई पर रोक नहीं है, बेरोजगारी पर रोक नहीं है, भ्रष्टाचार पर रोक नहीं है, अपराध पर कोई रोक नहीं है, जो सही मुद्दे हैं उन पर आपको ये सब बोलने की हिम्मत नहीं है, तो इसलिए आप इस तरह की अनोखी बातें करके अपना विदेश गए थे मंत्री सारे, बात कर रहे हैं जी जी, तो क्या लगता है वहाँ से कुछ एमओयू वगैरह साइन नहीं हुआ? एमओयू ये भी होता क्या भैया? देखिए ऐसा है, कुल मिलाकर के जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये सिर्फ अडानी जी को जल्द से जल्द नंबर वन बनाने के सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं कि लाओ भरो भाई, जब ठेका एक ही आदमी को लेना है, व्यापार एक ही आदमी करना है, और वो भी व्यापार कैसा है, उनको बोला रेल, उनका रेल 3,00,000 करोड़ का है, उनका कर्जा ले लो, कर्जा दे दिया उनको, रिजर्व बैंक के घर का है, कर्जा मिल गया, रेल खरीद लिया उन्होंने,
अगले दिन मुझे कर्जा माफ कर दो, कर्जा माफ हो गया। क्या है ये सरकारी संस्थाएं जो हमारे यहाँ के बाप दादा ने अपने खून पसीने कमाई से सी सी के बनाया था, आज चुटकियों के दाम पे जो है एक राज्य विशेष के लोगों को भेजा जा रहा है, 8 लाख से ऊपर लोग सैकड़ों करोड़ रुपए लेकर विदेशों में जाकर के फंस गए। जब ये भाई साहब बाहर जाते हैं तो वहां पर हाउडी मोदी और फला दुनिया भर का जो होता है तमाशा, क्या तमाशा है वो हिंदुस्तानी पैसे तमाशा हो रहा है। यहाँ पर लोगों के जेब में अभी आपको 5,000 रुपया निकालना हो, 2,000 देखिए अब क्या होता है, अभी आपको दिखाई 20,000 जो पड़े देखिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मोदी जी बाहर जाते हैं विदेशों में, तो उनके लिए जो है एक सब प्लांटेड, सब प्लांटेड, सब प्लांटेड होता है, बाकायदा मैन्युफैक्चर्ड होता है, फिर बाद में कहीं के तो उनको कहना पड़ता है अरे यू आर आउटसाइड, ओ माय गॉड। आपने सुना होगा, आपने सुना था, देखा भी तुमने टीवी में कि बाहर गेट के खड़े हुए हैं वहां भी ताली बजा रहे हैं, और इसलिए ताली बजा रहे हैं, हमको अंदर आने नहीं मिला। अच्छा, मीडिया की तरफ इशारा कर रहे हैं, अपमान होता बाकायदा। और एक दो जगह नहीं हुआ, आपने तमाशा बना दिया पूरे देश का, पूरे विश्व में, और इस तमाशे को हमको आपको मिलकर रोकना होगा, अन्यथा वास्तव में हमारे देश से बहुत बड़ा संकट चल रहा है। लोकसभा चुनाव की खड़ी बात कर लेते हैं, 2024 में आप कहां कांग्रेस को देख रहे हैं? 2024 में कांग्रेस पार्टी इस देश में सरकार बनाने जा रही है, और हमारे राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री हो रहे हैं, ये आप सबका आशीर्वाद। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जो भाजपा के मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, उनका ये कहना है कि लोकसभा चुनाव आने वाला है, लेकिन रायबरेली से सोनिया गांधी जी जो है 4 सहयोगी दल का जो है समर्थन लेके जो है चुनाव जीती, आने वाले 2024 में जो है हार जाएंगे। हाँ, लग जाए दिनेश सिंह ना, उनसे कह दीजिए कि वो इतना मेहनत कर रहे हैं, तो शायद MLC है वो, अगर मेरे गलत फहमी नहीं है तो मुझे जानकारी है। दिनेश सिंह जी को हम लोग बहुत दिन जानते हैं, 20 साल से जानते हैं, और उनका क्या करेक्टर है ये भी हम लोग जानते हैं। कैसा करेक्टर? अरे मतलब कब किस पार्टी में जाना है, कब किस पार्टी में कूद के भाग जाना है, कब काम, या मेरे घर भी कई बार आए हैं दिनेश सिंह जी जो है, तो उनका उनकी उनकी बातों बहुत सीरियसली मत लीजिए आप लोग, उनकी बातों को कतई मीडिया और कतई गंभीरता नहीं लेना चाहिए। ठीक है मंत्री जी है, राजमंत्री है, ठीक है, तो उनको राजमंत्री रहने दीजिए, कमा खा रहे हैं उनको कमाने खाने दीजिए, लेकिन उनकी बात को इतना तवज्जो दो। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, इनका लोग इतिहास, इनके पूर्वजों का इतिहास पढ़ें, इतिहास पढ़ें, इतिहास पढ़ने के बाद अपना उसमें मूल्यांकन करें कि अगर जो हम शब्द उनके बारे में बोल रहे हैं, हम किसके बारे में बोल रहे हैं। कल को हम अपने अभी हम पगला जाए तो अपने पिताजी के बारे में उल्टा पुलटा बोल लेंगे, अपने बाबा के बारे में उल्टा पुलटा बोल रहे हैं, अपने अपने परदादा के बारे में उल्टा बोल रहे हैं। क्या है, आप उठा के देखो तो सिस्टम पूरा, जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, महात्मा गांधी ने क्या किया, अभी आपने देखा होगा ये जब तिरंगा वो घर घर तिरंगा चल रहा था तो नेहरू जी की फोटो हटा करके वहां पर किसी और की फोटो प्लांट की जा रही थी। तो इस तरह का जो है सिस्टम हम लोगों को हावी क्यों जानते हैं, ये हम लोग का बहुत प्रयोग होता है कि आपकी सहनशीलता कितनी बढ़ती चली जा रही है। कभी हमसे कह दिए कि भाई बजाओ थाली, कोरोना भाग जाएगा, करो योगा ये हो जाएगा, बजाओ कटोरिया, कर दो बत्ती बुझा दो, बत्ती जला दो, ये हमारे आपके एक हिप्नोटिज्म होता है। तो हमारे आपका परिश्रम होता है कि हम लोग कितना ज़्यादा अपने आप को असहाय मानते जा रहे हैं। अब मोदी जी आएंगे, नई दुनिया लाएंगे, आवाज करें क्या भैया सूट अपने देश, जो व्यक्ति, मैं देश के प्रधानमंत्री बात कर रहा हूँ, अपनी धर्म पत्नी को अपने सास के क्रिमेश, अपने सास के संतान उसमें न जाने दे, सोचिए यही आग बैठे मुख्यमंत्री जी, अपने पिताजी की अर्थी वहाँ पर रही नहीं जा पाए, नहीं गए, लेकिन वो तो कहते हैं कि मैं संन्यास धर्म में हूँ तो ठीक है, कोई नहीं। तो अब माता जी के कहा जा रहे हैं, अब कहा जा रहे हैं कि वो फोटो खिंचाएंगे और वीडियो बनेगा, तो वो जिसे उनको उनको लाइन तो माता जी चली गई, स्वर्गवास हो गया उनका जो है। लेकिन देखिए यही यही जो दोहरा चरित्र है ना, तो BJP में आपको एक नहीं एक जने ऐसे थे हैं आजकल बड़े पद हो गए, वो अपने इनके यहाँ पले बढ़े, जो गए उन्नाव गए, मैं वहाँ मौजूद था, उन्नाव में जाकर उन्होंने समाजवादी पार्टी की मिनिस्टर की हैसियत से बहुजन समाज पार्टी की रैली किया। किस मंत्री की बात कहा, अरे हम डिप्टी सीएम बात कर रहे हैं, यस मैं मौजूद था वहाँ पर, उन्होंने किया और कहा कि मेरा लड़का है,
अगर आप लोग इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाएंगे तो आप हरसिमरत तिवारी बना रहे हैं, और वही व्यक्ति जो है जब अभी विधानसभा में जब हुआ 2017 में क्या स्टेटमेंट आया, कहते मुकदमे बाई चल रही है। तो देखिए ऐसा है कि ठीक है लोग किस्मत है भाग्य ठीक है चलो भाई बन जाओ, लेकिन बनने के बाद अपनी जमीन को मत भूलो, अपने अपने स्तर को मत भूलो, तुम क्या थे, तुम अगर यहाँ तक पहुँचे किसने पहुँचा दिए, हवा में पहुँचे नहीं हो, हवा में पहुँचे नहीं, पहुँचाने वाले कुछ ना कुछ लोग हैं, तो ठीक है नहीं नहीं सम्मान कर पा रहे हो किसी कारण से, किसी गुलामी की वजह से नहीं सम्मान करो मत करो, लेकिन अपमान करने के पहले सोचो जरूर कि हम किसका अपमान कर रहे हैं, क्या टिप्पणियों से बचना चाहिए, नहीं हाथे में नहीं पले क्या तुम, दिनेश सिंह क्या कांग्रेस पार्टी पले नहीं क्या, तब तक पले तब तक तुमको नहीं दिखाई पड़े कौन विदेशी कौन देशी है, और जब और उसके बाद तो अभी आप लिस्ट दूंगा मैं आपको कि कितने भाजपाई लोगों के विदेश में अंग्रेज, कितने अंग्रेज कहाँ कहाँ कौन कौन है, ये मैं दूंगा, देखता हूँ दिनेश सिंह साहब कितनी क्षमता है कि उसको बाहर निकाल देते हैं हिंदुस्तान से। तो ये थे हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नकुल दुबे जी, जिनका कहना है कि जो लोग ऐसी टिप्पणियां करते हैं उनको गांधी परिवार के इतिहास के बारे में पढ़ना चाहिए और ऐसे मंत्रियों को ज़्यादा सीरियस गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने अन्य राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा की। सत्यम मिश्रा, लखनऊ।